नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ मुकुल प्रकाश और हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की ऊपरी पहाड़ियों पर दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते भरमौर और डलहौजी सहित इलाकों का दृश्य और भी ज्यादा मनोरम हो गया है। हालांकि बर्फबारी और बारिश के चलते काफी ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते यहाँ स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों में भी खुशी की जो लहर है वो दिखाई दे रही है। बर्फबारी से बागवानों और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं मंदी की मार झेल रहे होटल व्यवसायी अब सैलानियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए और खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में बारिश होने से किसानों को लाभ पहुंचा है, तो दूसरी तरफ लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। लेकिन बारिश के हो जाने से लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। हालांकि ठंड के बढ़ जाने से लोगों को काम पर जाने में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन बढ़ती ठंड से दुकानों में अब गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि 14 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 15 से 17 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा और फिर धूप खिलेगी। पहाड़ों में बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता पराक्रम चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। पराक्रम, शिमला में किस तरह का मौसम है, विस्तार से जानकारी दे। देखिए मुगल, अगर शिमला की बात करें तो शिमला में भी जो है आसमान पर बादल छाए हुए और काले घने बादल ही हैं, और यही उम्मीद की जा रही है कि बारिश और बर्फबारी फिर से यहाँ पर होगी, क्योंकि पिछले दो दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हुई, अभी तक बर्फबारी हुई नहीं है। लेकिन अगर कुफरी की ऊपर चला जाए तो कुफरी में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, उसके बाद खड़क पत्थर में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है। वहां पर रोड बंद था लेकिन उसको बहाल कर लिया गया है, और रोड और रामपुर में काफी बर्फबारी की खबर हमें आ रही है, और वहां पर जो है दो जगह खिड़की और चांसल जो घाटी है वहां पर जो है सड़क पूर्ण से बंद हो चुकी है और उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। दिक्कतें यहाँ पर लोगों की अब शुरू होगी, क्योंकि कई जगह से एक समाचार है कि वहां पर जो है बिजली की भी कट है और बिजली नहीं है। हालांकि जो बिजली विभाग उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई जगह से जो है संपर्क बिजली से और सड़क मार्ग से कट चुका है। और इसके अलावा पानी की सप्लाई हालांकि अभी भी जो है सुचारू रूप से चली हुई है, ये प्रशासन का कहना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों से हमें खबर आ रही है कि वहां पर पानी की सप्लाई में भी दिक्कतें आ रही है और पानी की सप्लाई भी नहीं पहुंच पा रही है, खासकर जो ऊपरी क्षेत्र है। हालांकि शिमला में भी बर्फबारी, शहर में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जो है ठंड, तापमान गिरा है और ठंड की चपेट में अब शिमला भी है, और यहाँ पर जो है काफी ठंड होती है और लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। गर्म कपड़े सबने निकाल लिए हैं और लोगों को जो है अब गर्मी से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई जा रही है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर काफी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जो है कई क्षेत्र ऐसे हैं वहां पर जो है सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध है और जो है तेज विश्व से इलाके जो है कट चुके हैं। तो दिक्कतें अब धीरे धीरे शुरू हो रही है, यदि ये इस तरह का मौसम रहता है अगले दो दिन यानी कि 14 दिसंबर तक भी, तो निश्चित रूप से और दिक्कतें लोगों की बढ़ सकती है। मुकुल पराक्रम, जिन रास्तों पर बर्फ जम चुकी है, मोटी परत जहां पर जम चुकी है रास्तों पर, क्या उन जाने वाले रास्तों पर पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है? अरे ये बिल्कुल, जहां पर जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर तो बिल्कुल बंद कर दिया गया रास्ते, क्योंकि वो बंद हो गए हैं एक्चुअल में बर्फबारी के चलते, इसलिए वहां पर अलर्ट जारी किया था पहले ही प्रशासन ने, और जो सड़कें हैं उनको खोलने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन का ये कहना है। और जल्द ही जो जैसे रोड की सड़क है चांसल वाली, उसको खोला जा रहा है। रामपुर जो क्षेत्र है खेड़े सड़क, वहां पर काफी बर्फबारी हुई है और वहां भी ये रोड अभी बंद है, उसको भी खोलने की कोशिश की जा रही है। अगर मौसम साफ होता है तो निश्चित रूप से वो सड़क जो है खुल जाएंगी, लेकिन यदि मौसम इसी तरह का रहा तो निश्चित रूप से जो सड़कें खोलने में दिक्कतें आती हैं और वहां पर गाड़ियां भी जिस तरह से जो दूसरी चाहे स्नो कटर हो या अगर दूसरी गाड़ियां हो वहां पर नहीं लगाई जा सकती हैं, तो ऐसे में दिक्कतें अभी आ सकती हैं। और प्रदेश से भी ऐसी खबरें हैं कि कई जगह पर जो है संपर्क मार्ग जो है बर्फबारी के कारण टूट चुके हैं, बिजली के क्षेत्रों से गुल है, तो ऐसे में दिक्कतें लोगों को हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो बागवान है और किसान है वो यहाँ पर खुश है, पर्यटक यहाँ पर खुश है कि वो उनको बर्फबारी का जो और बारिश का जो है आनंद उठाने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम चंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला का रुख बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन व्यवसायियों में भी खुशी की लहर है। कांगड़ा से हमारे संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कांगड़ा में किस तरह का मौसम बना हुआ है? देखिए कांगड़ा में सोमवार से जो है बारिश और बर्फबारी
का सीजन चल रहा है, जिसमें चंबा, डलहौजी, कांगड़ा की ऊपरी पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है, जिससे जो मौसम खुशनुमा हो गया है। दूसरी तरफ जो किसान और बागवान जो कि पिछले लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो उनको भी को काफी राहत मिली है। इसके साथ साथ प्रशासन में जो बर्फबारी हुई है चंबा, डलहौजी और दूसरे इलाकों में, वहाँ के उसको जो मार्ग अवरुद्ध हुए उनको ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी पूरी तरह जुटा हुआ है। अभी जो इस समय स्थिति है, इस समय जो बर्फबारी वो बंद हो चुकी है कांगड़ा में, अभी बारिश भी बंद हो चुकी है। जी दौलत, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, बड़ी तादाद में सैलानियों का रुख इस वक्त हिमाचल की तरफ होगा, तो जो ऊपरी जाने वाले रास्ते हैं क्या उन पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते सैलानियों को ऊपर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है चंबा से आगे लेह लद्दाख वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर भारी बर्फबारी होती है, वहां पर जो है प्रशासन ने वो आगे जाने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। उसके लिए अभी जो पर्यटक हैं उनका जो रुख है अभी उतने पहाड़ी इलाकों की तरफ नहीं हुआ। अभी जो सैलानी है वो चंबा के डलहौजी के जो पर्यटन स्थल है और मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं, उससे आगे की तरफ अभी प्रशासन ने जो है वो रास्ते अभी अवरुद्ध है, इसलिए वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि कभी भी पहाड़ी बर्फ की चट्टान जो है वो गिर सकती है उनके ऊपर। वहीं प्रशासन ने जो है जहां जहां बर्फबारी हुई थी वहां के जो रास्ते थे वो फिलहाल साफ कर दिए हैं और यातायात बिल्कुल सुचारू चल रहा है। दौलत, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बर्फबारी का अनुमान जताया था, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो क्या प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि जो चंबा, डलहौजी और कांगड़ा के जो ऊपरी क्षेत्रों में जहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध करने की आशंका थी, वहां पर प्रशासन ने जो जेसीबी मशीनें वगैरह लगा रखी थी और कल जैसे ही बर्फबारी हुई है 4-5 इंच तक बर्फबारी जो है वो सड़कों पर हुई है, जिस उसको प्रशासन ने लगभग 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही उसको हटा दिया और जो यातायात पर इसका कोई भी ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। दौलत, जिस तरीके से बर्फबारी लगातार अब तेज होती जा रही है, आने वाले 1-2 दिनों में भी मौसम विभाग ने और भी ज्यादा बर्फबारी की आशंका जताई है, तो क्या लगता है कि पर्यटन जरूर बढ़ेगा, इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्या पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी इस वक्त खिले हुए हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि पिछले काफी समय से जो बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था और पिछले सोमवार से जो बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, इससे जो सिनारियों के और जो व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, उनके चेहरों पर रौनक आ गई है और अगले 1 हफ्ते में जो है वो सैलानियों की जो संख्या है वो यहाँ पर्यटन स्थलों पर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए, तो ज्यादा जानकारी के साथ डलहौजी से हमारे संवाददाता बॉबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी, डलहौजी में इस वक्त किस तरह का मौसम बना हुआ है, किस तरह की हलचल इस वक्त पहाड़ी नगरी में देखी जा रही है? बॉबी, आवाज आप तक पहुंच रही है? तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क बॉबी से नहीं लग पा रहा है। बहरहाल आपको बता दें, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। इसके अलावा जो किसान और बागवान हैं वो भी पूरी तरीके से खुश हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हिमाचल में सूखा पड़ा हुआ था, जिसके चलते उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से मौसम का रुख बदला है, मौसम ने करवट लिया है, उसके बाद से किसानों और बागवानों में भी खुशी की लहर है। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने एक और पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे साफ है कि मौसम का रुख एक बार फिर से बदलता हुआ अगले 2-3 दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से डलहौजी से हमारे संवाददाता बॉबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बॉबी, इस वक्त डलहौजी में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? बॉबी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? हाँ बॉबी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? हाँ। तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं लग पा रहा है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जो पर्यटन व्यवसायी हैं वो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन नगरी में पर्यटकों की चहलकदमी भी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे बात शिमला की हो, कांगड़ा की हो, यहाँ के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा
जो तमाम रास्ते हैं जो ऊपरी पर्यटन क्षेत्रों में जाते हैं वहां पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते सैलानियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जल्द से जल्द रास्तों से मार्ग हटाने, जो बर्फ हटाने का काम है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हिमाचल स्पेशल में इतना ही, आप देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।